नोटबंदी के बाद पैदा हुए करेंसी क्रंच के बीच देश को कैशलेस बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को महानगर के शराब के ठेकेदारों ने अपनाते हुए अपने ठेकों में क्रेडिट व डेबिट कार्ड स्वाइप मशीनें लगानी शुरू कर दी है। ठेकेदार का कहना है कि नोटबंदी के बाद नई करेंसी की किल्लत से उनकी सेल पर भी प्रभाव डाला है तथा इसी को बढ़ाने के लिए अब उन्होंने स्वाइप मशीनों का सहारा ले लिया है, जिसे लोग बेहद पसंद कर रहे हैं तथा उनकी सेल धीरे धीरे दोबारा पटरी पर आने की उम्मीद जगी है। वहीं ठेके पर शराब लेने आए ग्राहक ने बताया कि नई करेंसी ना होने व पुरानी के ना चलने के कारण वह शराब की खरीद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आज ठेके पर स्वाइप मशीन लगने से उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड से इसे अब खरीदना शुरू कर दिया है। पुराने नोट लेंदे नहीं, क्रेडिट कार्ड पैग ला गए जो पैसे पुराने नहीं है चलते। वैसे जो भी आ मेरे को पैसे है नहीं छोटे, मैं अपने क्रेडिट कार्ड तो जो भी स्पैक मारिया तो जो बीयर लेती है इन्नी की परेशानी आई हुई सी भी मैं तो यही चाहना भी सारे पासे क्रेडिट कार्ड ही कम आवे। इस तो अलावा भी बहुत ही अच्छा किया है जो भी किया, मतलब किसी को परेशानी ये ना आवे। हर एक बंदा लाइन से ATM खड़ता पाया, बहुत दिक्कत आ रही भी जो भी आ अच्छा हो रहा। भी मैं शोरूम जो वाइन शॉप हैगी जो भी है ठेके है या अपना ढाबे आ उत्ते हरेक की क्रेडिट कार्ड की लोड़ हैगी है। इतने क्रेडिट कार्ड ना स्वैप मारना सानू फैसिलिटी होनी चाहिए, दिक्कत ना आए लाइन च लगन की प्रॉब्लम हो किसी को। सर मैं बजाज एंड कंपनी तो इतने सेलमैन लगे हुए जी, तो डेबिट कार्ड मशीन स्वैप मशीन लाई हुई है सर, जैसे 2000 की नोट लेके आते हैं लोग, हमारे पास खुले पैसे नहीं होते हैं वापस करने के लिए, तो डेबिट कार्ड अपना स्वाइप करते हैं। तो ये सुविधा अच्छी है सर लोगों के वास्ते, तो अपने डेबिट कार्ड की स्वाइप मशीन के करके अपनी सेल माड़ी मोटी का फर्क पाया सर, तो हाले वो रफ्तार नहीं पकड़िया, 30% हाले भी सेल साड़ी कट आ, तो अपना की कहें स्वाइप मशीन से धीरे धीरे काम सर बढ़िया हो रहा, बढ़ रहा।